हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75 हमें दे रखा है, अ काइट इज अ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 45 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग है जो कि उड़ रहा है 45 मीटर की हाइट पर ग्राउंड से। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो पतंग की जो डोर है उसको बेस पर किसी पॉइंट के साथ टाइटली करके बांध दिया गया है टेम्परेरी तौर पे। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो डोरी है उसका एंगल बनता है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो बताओ स्ट्रिंग की लंबाई क्या होगी। एज्यूमिंग दैट द नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब धागे में कोई झोल नहीं है। झोल होने का मतलब धागा, जो हमारी डोरी है वो बिल्कुल तनी हुई है। जैसे मान लो ये हमारा कोई पतंग है, ठीक, इसकी जो पतंग की हाइट है वो मैं क्वेश्चन में गिवन है 45 मीटर है और ये हमारा ग्राउंड हो गया। इस पतंग की डोरी को ग्राउंड के साथ टाइटली करके बांध दिया गया है और एंगल बनाती है ये 60 डिग्री और बिल्कुल स्ट्रेट है ये, मतलब बिल्कुल ऐसी टेढ़ी नहीं है कि जैसे बीच में कई बार डोरी होती है ना टेढ़ी हो जाती है, ऐसी नहीं है। इसे नाम दे दिया बी सी, हमें ये डोरी की लंबाई बतानी कितनी होगी। तो इसे सॉल्व करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो मेंशन कर लेंगे। हाइट ऑफ काइट जिसको मैंने ए भी माना है, जो मैं दे रखा 45 मीटर, और मैं फाइंड करना है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी होगी। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारी है ए सी, ये हमें फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए ट्रायंगल एबीसी में हम दो चीज़ देखेंगे, पहली क्या हमें फाइंड करना है, दूसरा क्या हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास फाइंड हमें ए सी करना है, गिवन हमें ए बी है, तो सिर्फ इन दोनों को ही लेना है। मैंने ए सी ले लिया, ए बी ले लिया, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हुआ, ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ। हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, ये होता हमारा कोसेक थीटा। थीटा जो भी हाई एंगल होता है उसका थीटा बन जाता है। तो ए सी फाइंड करना है, ए बी 45, कोसेक 60। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल का। ये टेबल कैसे बनी है इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसे देख लें। तो कोसेक 60, कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3, क्लियर है। अब ये नीचे डिवाइड में है, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2 × 45। बट अंडर रूट कभी नीचे नहीं रहता, इसलिए इसको रैशनलाइज करने के लिए न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ये हुआ 90, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3, ये आया 30। √3 की वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन है 1.732, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरी आ जाएगी एसी की लंबाई 51.96 मीटर। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में बोला गया, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर। किसी टावर के बॉटम और टॉप पॉइंट पे एंगल बनाया गया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ अ 60√3 मीटर हाई क्लिफ। कोई पहाड़ है, पहाड़ की चोटी जिसके ऊपर से जो जिसकी ऊंचाई हमें दे रखी है 60√3, ये हमारा पहाड़ हो गया जिसकी ऊंचाई दे रखी है 60√3 मीटर। इसके टॉप पॉइंट से ये मान लो हमारा कोई टावर हो गया, इसके टॉप पॉइंट और इसके बॉटम से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया गया इसके टॉप पॉइंट से, जो हमारे क्लिफ हमें दे रखी है, ठीक। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर देखना। तो जब मैं इसके टॉप पॉइंट से इसके टॉप पॉइंट को देखता हूँ तो मेरा एंगल बनता है 45 डिग्री का और एक बनता है 60 डिग्री का, तो ये हो जाएगा मेरा 45 डिग्री। और इसी के टॉप पॉइंट से इसके बॉटम को देखता हूँ टावर के, तब एंगल बनता है मेरा 60 डिग्री का, ये वाला एंगल, ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का। तो बताओ इस टावर की हाइट क्या होगी अगर अंडर रूट की वैल्यू √3 की वैल्यू 1.73 हो तो। तो इसे मान लेते हैं ए बी सी एंड डी, टोटल हाइट इसकी दे रखी है हमें 60√3। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं इस टावर की हाइट को मान लेता हूँ कि ये एच है। अगर ये एच है तो मैंने बिल्कुल पैरेलल ही इसके कट कर लिया, इसको कट करने के बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी हाइट होगी ये एच है, तो ये भी कितनी होगी, एच ही होगी। बाकी बची ये वाली हाइट,
इसे पॉइंट ए देता हूँ, ए ई मेरा कितना होगा, देखो टोटल 60√3 है, अगर इसमें से एच माइनस कर दिया जाए तो ये होगी मेरी 60√3 माइनस में एच मीटर, जो ए ई होगी वो मेरी ये वाली हाइट हो जाएगी। तो हमें फाइंड करना है कि इस टावर की हाइट क्या होगी, तो जो जो गिवन है वो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, हाइट ऑफ क्लिफ जो कि हमारी कौन है ए बी 60√3 meter, और मैंने लेट हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट को मैंने मान लिया सी डी, जितनी सी डी होगी उतनी मेरी बी ई होगी एच। तो देखो ए ई प्लस में बी ई, ए ई और बी ई दोनों को जोड़ने में हमारा कौन बनता है ए बी, ए ई हमें फाइंड करनी है मान लो, बी ई को मैंने एज्यूम कर लिया कि एच है, ए बी मेरी टोटल 60√3 है, प्लस का है इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो इस तरीके से मेरा बना 60√3 माइनस में एच, ये आ गया। सिर्फ हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी है, एच फाइंड होते ही मेरी इसकी हाइट निकल के आ जाएगी। बात करते हैं बी सी की, बी सी इनके बीच का जो डिस्टेंस है टावर और क्लिफ का मालूम नहीं है, लेकिन इसको हम मान लेंगे कि ये मेरा एक्स है। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि जो बी सी है वो एक तरीके से बेस है इस बड़े वाले ट्रायंगल का भी और इस छोटे वाले ट्रायंगल का भी, क्योंकि जितना एक्स होगा उतना ही मेरा कौन होगा ई डी होगा, क्लियर है। तो मैंने लेट ले लिया बी सी होगा उतना ई डी एक्स होगा, फिर यहाँ पे लिखा बाय ऑल्टरनेट एंगल, इसके थ्रू यहाँ पे जो एंगल बनेगा मेरा वही एंगल ये वाला होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल बनाते हैं। ये कब बनता है, जब दो लाइन पैरेलल हो, ट्रांसवर्सल लाइन दो पॉइंट पर कट करे तो बनने वाले एंगल ऑल्टरनेट होते हैं, और इसमें पहचान होती है हमें जेड नज़र आता है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये पूरा कंप्लीट एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्लियर है। अब हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल को, बड़े वाले ट्रायंगल को, ये हमें दे दिया ए बी सी, ये एक्स है और ये 60√3 है। हमें दो चीज़ पे फोकस करना है, क्या हमारे पास गिवन है, क्या हमें फाइंड करना है। यहाँ लिखा मैंने इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ये तो गिवन है, फाइंड हमें कौन करना है बी सी, तो यहाँ लिया मैंने ए बी अपॉन बी सी, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या था टेन थीटा, थीटा जो यहाँ पे एंगल होता है, ए बी की वैल्यू 60√3, ये एक्स है, टेन 60 की वैल्यू कितना है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स √3 60√3, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई मेरी यहाँ पे 60 meter। एक्स आने के बाद अब इस छोटे वाले ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, यहाँ मैंने रखा है ए ई डी, ये एक्स है और ये था हमारा 60√3 माइनस में एच, एंगल है 45 degree का इन ट्रायंगल ए डी। यहाँ पर भी दो चीज़ें देखनी है, क्या गिवन है, क्या हमें फाइंड करना है, तो गिवन हम ये भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना, दोनों फाइंड करने हैं, ए ई अपॉन में ए डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनेगा टेन थीटा, थीटा कितना है 45, ए ई 60√3 माइनस में एच, ई एक्स 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, यहाँ मैंशन कर दिया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 60√3 माइनस में एच, फिर मैंने यहाँ पे लिखा यूजिंग 1, इसी क्वेश्चन 1 मान लेते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी है 60√3 माइनस में एच, माइनस का एच मैं इधर ले आता हूँ प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है इधर एक्स का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, दोनों में 60 कॉमन आ रहा, कॉमन निकाला तो यहाँ पर 10√3, साथ में कुछ भी नहीं 1 मान लेंगे, कॉमन निकालने का मतलब तो दोनों में 60 का डिवाइड देना, डिवाइड दे तो इसकी जगह बचेगा 1, √3 की वैल्यू में दे रखी 1.73, एच इज इक्वल टू 60, माइनस किया 0.73, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह आ जाएगा 43.8 meter, क्लियर है। ये मेरी कौन थी हाइट ऑफ टावर, जो मैंने एच माना था, हाइट ऑफ टावर जो कि मेरा रास्ता निकल के आ गया 43.8, और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।